इस उस टूर्नामेंट में स्पेशली मैच में मतलब आपकी जो कैप्टनसी थी, थी ना वो एक नजर आता था, कि एक फिगर आपका था टीम को लेकर जिस तरह आप भागते थे ना बॉलर के पास उसको कोई भी कैप्टन जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके प्लेयर जो है ना उसको उसका साथ मैं अपना को इसलिए खुश समझता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लड़के खेले ठीक है ना उन लोगों ने मुझे अंडरस्टैंड किया और मैंने उनको अंडरस्टैंड किया तो एक किसी भी चीज़ किस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है तो मेरे पास जो हमारी जो टीम थी वो सब लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे आप नाम उठा के देखें हसन अली के परफॉर्मेंस आप देखें चैम्पियज ट्रॉफी में जब, जब पाकिस्तान की ज़रूरत हुई है आप उठा के देखें साउथ अफ्रीका वाला मैच फैफ डोप्लेसी जे पी डोमिनी की मेन विक्टे जो हैं वो और पांडल की विकटे जो है हसानी है लेके थी श्रीलंका वाला मैच अगर आप देखें अमेरिका इम्पोर्टेंट टाइम पे स्ट्राइक करना मैथ्यूज़ को और डिक वाले को आउट करना फिर हसन ने आके कोशल मैंडिस को उसने जो बोल मारा तो हसन की बहुत हसन हो गया <laughs> शदाफ हो गया हर लड़के ने ना अपनी अपनी जगह उसी जगह जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे तो सारा जो गेम होता है ना वो टीम गेम होता है कैप्टन कभी भी जो है वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसकी टीम उसका साथ ना दे तो हमेशा से लड़के जितने भी थे जितने भी सब लड़के ये खेले सब बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे और उससे अच्छी चीज़ सबसे अच्छे इंसान थे ऑब्वियसली देखें क्रिकेटर तो सभी अच्छे होते हैं हम लोग भी बैठे हुए हम लोग भी क्रिकेट खेल लेते हैं आप भी क्रिकेट खेलते हैं आप भी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट जो है ना वो सब कुछ नहीं होती सबसे अच्छे ना आपका इंसान होता है जो कि आपका अखलाक होता है तो जितने भी क्रिकेटर हैं लाइक like, बाबर आजम हो गए मामूल हक इमाद वसीम हो गए फई अशरफ हसन अली आमिर वहाब जितने भी लड़के सब मेरे साथ खेले हसन तो ये सबसे अच्छे इंसान हैं क्रिकेटर तो है ही अच्छे लेकिन उससे अच्छे इंसान है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको इज्जत दे रहा है और इंशाल्लाह आगे भी देगा जबरदस्त तो सही भाई ऑब्वियसली वो जो कैश ड्रॉप हुआ तो आपने कहा पचास सेकंड थे ठीक है वो ज़ाहिर है दिमाग में आया होगा लेकिन पचास सेकंड में गोली निकल गई तो यह है कि ज़्यादा फील नहीं हुआ लेकिन जब वो हार्दिक पांड्या है हार्दिक पांड्या आया वो भी नया नया था नहीं पांड्या वो पांड्या आ गया और छा गया वो तो लगा हुआ था छक्का तो हाँ मैच अब निकल गया तो लेकिन भाई हाँ, 200 रन है कितने छक्के मारेगा लेकिन मार भी सकते हैं उसमें आमिर ने लंबा स्पेल किया पाँच ओवर का तो अच्छा गर्मी बहुत ज्यादा थी आमिर को क्रैम पड़ना शुरू हो गए थे ठीक है आमिर को क्रैम पड़ना शुरू हुए उसमें इमाद को इमाद आया इमाद को भी पढ़ना शुरू खिला इमाद भी बाहर चला गया और बॉलर हो गया एक शॉट ठीक है एक शैडी रह गया था फिर फखर दमान को जो है वो एक हुआ करवाना पड़ा तो हमने बोला शायद फखर दमान निकाल देगा <laughs> उसने फख्र दमान को भी रख दिया तो, तो ये थोड़ा सा आया सोचने का लेकिन वही बस अल्लाह ताला ने जब लिख दिया था कि भाई आज पाकिस्तान जो है वो वो होगा तो, आ, तो फिर से। एक बॉलर से नहीं घबराता <laughs> तो 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 हुआ लड़ता हुआ गया था मुझे याद है देता था इतना ही इम्पॉसिबल है कि एक बंदा जाके इस तीन सौ रन दे लेकिन उस वक्त होता ही है कि

और फिर वहाँ पे जो धोनी जब आउट हुआ था सनली आउट किया तो तो मैं, तो मैं मैं तो मैंने खुश हो गया था मैंने कहा अब, अब अब गेम ये चैंपियन ट्रॉफी ऐसी मोमेंट है कि जितने भी हम सब क्रिकेटर थे तो उनकी लाइफ की एक बेहतरीन मेमोरी में से एक है और वो हमेशा ऐसा और इंडिया का गेम जीतना किसी भी आई का इवेंट वो यादगार एक लाइफ टाइम मेमोरी है जो कि हमेशा जो है हम सब की हुँ. जो है ना वो एक कहते हैं कि हिस्ट्री में लिख दी गई है